इंडिया ने साल 22-23 में मैसिव 71,400 करोड़ का इंपोर्ट किया था, यानी इतना पैसा हमने फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएसडी, यूरो, चाइनीज युआन, जापानी येन के रूप में इंडिया से बाहर भेजा था प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए। देखिए, जब भी आप इंडिया से कोई पेमेंट बाहर भेजते हैं तो उसे आउटवर्ड रेमिटेंस कहा जाता है, और जब भी आप बात करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट की, फिर चाहे वो आउटवर्ड हो यानी इंपोर्ट की पेमेंट या इनवर्ड यानी एक्सपोर्ट की पेमेंट, इस पूरे इंटरनेशनल पेमेंट को आरबीआई बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से कंट्रोल करती है ताकि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। और अगर आप भी इसको तरीके से नहीं करते हैं तो आपको अपने इंपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को लंबे समय तक चलाने में तकलीफ आ सकती है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन से तरीके हैं इंपोर्ट करते टाइम पेमेंट को ट्रांसफर करने के, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बच सके। एंड इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आप लोगों को इंटरनेशनल रेमिटेंस यानी पेमेंट अपने सप्लायर को पेमेंट भेजने से रिलेटेड जितनी कंफ्यूजन है सारी की सारी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एंड इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करते हुए आप अपना बहुत सारा टाइम और एटलीस्ट 50% सेव कर पाएंगे जब भी आप अपनी रेमिटेंस करेंगे किसी सप्लायर को। देखिए, बेसिकली तीन मेजर तरह के रेमिटेंसेस होते हैं, ट्रेड रिलेटेड रेमिटेंस यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते टाइम जो पेमेंट हम बाहर भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड यानी जब भी आपको स्टॉक्स वगैरह में बाहर देश की कंपनी के इन्वेस्ट करते हैं, और पर्सनल रेमिटेंस जब भी कोई बंदा बाहर जाता है वहां से कोई पेमेंट भेजता है तो वो पर्सनल रेमिटेंस के कैटेगरी में आता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड रिलेटेड रेमिटेंस यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली रेमिटेंसेस के लिए। अब न्यू लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है जब भी वो पहली बार इंपोर्ट करते हैं और उनका सप्लायर उनको बोलता है कि ये मेरी अकाउंट डिटेल्स है और इसमें आप लोग जो है वायर ट्रांसफर कर देना, और कई बार वो एक वर्ड का यूज करते हैं टीडी ट्रांसफर यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफर कर देना। और जब आप बैंक में जाते हैं ट्रांसफर लगाने के लिए तो बैंक वाला आपको बोलता है कि भाई हम तो स्विफ्ट ट्रांसफर करेंगे अगर आप लोगों को बाहर पेमेंट भेजते हैं, तो इनमें से करना कौन सा है? तो इसका सिंपल आंसर ये है, इन तीनों का मतलब एक ही है, स्विफ्ट ट्रांसफर, टीडी ट्रांसफर और वायर ट्रांसफर तीनों एक ही चीज होता है। जब भी आप इंडिया से बाहर पेमेंट भेजते हैं तो कोई उसे टीडी ट्रांसफर करता है, वेस्टर्न कंट्रीज में वायर ट्रांसफर का टर्म यूज किया जाता है, और इंडिया में हम इसको स्विफ्ट ट्रांसफर बोलते हैं। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट्स होती है बिटवीन कंट्रीज वो स्विफ्ट सिस्टम के अंडर की जाती है, और स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि रशिया को जो है स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है, जिसके चलते दूसरे देश उसके साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उनको कोई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर इंडिया से आप लोगों को रशिया के साथ ट्रेड करना है तो रूपी रूबल में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ही लिमिटेड डेडिकेटेड बैंक्स। अब प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा प्रोसेस होता किस तरीके से। मैं इस वीडियो में पर्सनल इंपोर्ट की बात नहीं करूंगा, अगर आप पर्सनल इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में आप लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, बस उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होना चाहिए। इस पूरे ट्रांजैक्शन में बैंक जो है आपको 3-5% का एक छोटा सा चार्ज करता है डिपेंडिंग अपॉन द बैंक एंड द अमाउंट यू आर सेंडिंग। हम इस वीडियो में बात करेंगे कमर्शियल इंपोर्ट की, यानी जो इंपोर्ट आप आईसी का यूज करते हुए करते हैं। जब भी आप बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की यानी आउटवर्ड रेमिटेंस की या इंपोर्ट के अगेंस्ट में अपने सप्लायर को पेमेंट करने की, तो इस केस में आप लोगों को 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहला है आईसी कोड, दूसरा है परफॉर्मा इनवॉइस जो आपको अपने सप्लायर की तरफ से मिलता है, तीसरा है आपका एक करंट अकाउंट होना चाहिए। तो जिस भी बैंक में आपका करंट अकाउंट है उस बैंक में आप जाते हैं, अपने आरएम से बात करते हैं, आपका आरएम जो है आपको उस दिन का कार्ड रेट देता है एंड वो कार्ड रेट आप लोग चूज करते हैं। कार्ड रेट चूज करने के बाद आप अपने बैंक को रेमिटेंस फॉर्म भरते हैं, और रेमिटेंस फॉर्म के साथ आप परफॉर्मा इनवॉइस अटैच करके आप अपने बैंकर को सेंड करते हैं वाया सम पर्सनल और वाया ईमेल, एंड उसके अगेंस्ट में आपका आरएम जो है दिन के एंड तक जनरली पेमेंट लगा देता है, आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाती है जो भी आप लोगों को कार्ड रेट दिया गया है उसके हिसाब से, और आपके सप्लायर को पेमेंट पहुंच जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पहला आउटवर्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस पूरे केस में जो बैंक आपको चार्ज करेगा वो चार्ज करेगा दो फ्रंट पे, एक है आप लोगों को चार्ज करेगा वो फिक्स ट्रांजैक्शन फीस। फिक्स ट्रांजैक्शन फीस आपका 1500 से लेके 4500 रुपए तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, कौन सा बैंक आप यूज करते हैं। दूसरा जो आप लोगों को कार्ड रेट दिया गया है वो कार्ड रेट जनरली आप जो गूगल पे यूएसडी आईएनआर का रेट देखते हैं उससे 1.5 से 2 रुपए ज्यादा होता है, तो उस वो जो 1 से 1.5 रुपए का मार्जिन है पर डॉलर पे बैंक वहां पे भी आपसे कमीशन चार्ज करता है। ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीटली मैनुअल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब यहाँ पे पिक्चर में आता है एक्जिम पे। एक्जिम पे एक इंडिया का पहला B2B ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, इसका यूज करते हुए आप जो ये पूरी ट्रांजैक्शन है डिजिटली अपने ऑफिस में बैठ के अपने कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप लोगों को साइन अप करना है, आईसी कोड के थ्रू आपको साइन अप करना है, कंप्लीटली फ्री साइन अप है। उसके बाद आपका एक अकाउंट खुलता है उनके पार्टनर बैंक के साथ, और उस अकाउंट के साथ जो है एक्जिम पे लिंक हो जाता है। फिर जैसे आप फोन पे या गूगल पे का यूज करते हैं कुछ उसी तरीके से कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करते हुए एक्जिम पे के थ्रू अपने सप्लायर को पेमेंट भेज सकते हैं। जो ये पूरा ट्रांजैक्शन मैनुअल था और पूरे दिन का टाइम लग रहा था, ये आधे घंटे के अंदर आपका प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, किस तरीके से आप लोगों को ट्रांजैक्शन लगानी है, क्या एक्सचेंज रेट होता है और क्या बैंक आपसे चार्ज करता है, उसके बारे में भी आपको सारी कंफ्यूजन जो थी वो क्लियर हो गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।